पांच मैचों की सीरीज में तीन एक की अजेय बढ़त बना चुकी भारतीय टीम सीरीज के आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड से भिड़ेगी। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। चौथे टेस्ट में आराम करने के बाद जसप्रीत बुमराह की प्लेइंग 11 में वापसी होगी। बुमराह के लिए आकाशदीप या मोहम्मद सिराज में से किसी एक को जगह बनानी होगी। वर्कलोड की वजह से चौथे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया था। पांचवें टेस्ट में अब बुमराह वापसी के लिए तैयार हैं। बुमराह का प्रदर्शन इस सीरीज में अब तक लाजवाब रहा है। तीन मैचों में भारतीय तेज गेंदबाज ने 70 विकेट अपने नाम किए हैं। बुमराह की वापसी से टीम इंडिया का पेस अटैक काफी मजबूत होगा। बुमराह की वापसी के लिए आकाशदीप या मोहम्मद सिराज में से किसी एक को बाहर बैठना होगा। हालांकि धर्मशाला में तेज गेंदबाजों को पिच से ज्यादा मदद मिलती है, ऐसे में कप्तान रोहित तीन फास्ट बॉलर्स के साथ उतरने का फैसला भी कर सकते हैं। रोहित अगर तीन गेंदबाजों के साथ उतरते हैं तो कुलदीप यादव को बाहर बैठना पड़ सकता है। लगातार दो टेस्ट मैचों में बल्ले से बुरी तरह से फ्लॉप रहे रजत पाटीदार को प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़ सकता है। रजत रांची टेस्ट की पहली पारी में महज 70 रन बनाकर आउट हुए थे, जबकि दूसरी इनिंग में रजत बिना खाता खोले पवेलियन लौटे थे। रजत की जगह पर देवदत्त पड़िकल को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन के दम पर पड़िकल को भारतीय टीम में शामिल किया गया है।